अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप उसे देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिजाइनर कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले ये मेरा फैब्रिक है जो डबल फोल्ड में रखा है। सबसे पहले हम लेंगे ऊपर से 6 इंच छोड़ देंगे क्योंकि मैं ऊपर नेट यूज करूंगी। 6 इंच छोड़ करके लेंथ प्लस 3 इंच का मार्क लगाएंगे। लेंथ है हमारी 36, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 39 इंच। और विड्थ में हम लेंगे अपनी चेस्ट का हाफ प्लस स्विंग सीम। चेस्ट है हमारी 36 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 18 प्लस 2 इंच स्विंग सीम का लेकर के 20 इंच हम ऐसे मार्क लगाएंगे। और ऐसे मार्क लगा करके बॉक्स बना करके पहले मैं इसको कट कर लूंगी। उसके बाद हम इतने ही 2 पीस लाइनिंग के कट करेंगे। अगर आप चाहो तो ये लाइनिंग लगा सकते हो, चाहो तो नहीं। स्क्वायर पीस में लाइनिंग कट करने के बाद अब हम ये नेट की कटिंग करेंगे। इसको हम इस प्रकार यहां से 7 इंच ले लेंगे क्योंकि हमने नेट ऊपर 6 इंच लगानी है। और विड्थ में हम इस मेजरमेंट के अनुसार लेंगे। तो अब हम यहां से 7 इंच की लाइन लगाएंगे और ये नेट की कटिंग कर देंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक पीस की नेट की कटिंग हो गई। कटिंग करने से पहले हम नेट को फैब्रिक के साथ जॉइन करेंगे। उसके लिए मेन फैब्रिक का राइट और नेट का राइट आपस में ऐसे मैच करके पहले सिंपल एक स्टिच देंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूंगी। ये सिंपल स्टिचिंग करने के बाद अब हम ये लाइनिंग का कपड़ा लेंगे और इसको इसके ऊपर इस प्रकार रखेंगे और यहां से इसको भी एक सिंपल स्टिच देंगे। सिंपल स्टिचिंग करने के बाद अब हम इस लाइनिंग के कपड़े को इस प्रकार बैक साइड में फोल्ड करेंगे और ये नेट हमारी यहाँ पर हमारा नेक पोर्शन बन जाएगा और ये हमारी सिलाई दोनों साइड से गुम हो जाएगी। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर एक स्टिच देंगे और इस लाइनिंग के कपड़े को भी कट स्टिच द्वारा फिक्स कर लेंगे। ये करने के बाद मैं इसमें ड्राफ्टिंग करना बताऊँ। उसके बाद हम इस नेट से 6 इंच का मार्क लगाएंगे और इस मार्क से हम अपनी टोटल लेंथ के मार्क लगाएंगे। शोल्डर लेंथ है हमारी 7.5 इंच, वेस्ट लेंथ है हमारी 13 प्लस हाफ 13.5 इंच और लो वेस्ट लेंथ है हमारी 17 इंच, तो हम उसमें 17.5 इंच का एक मार्क देंगे। अब हम विड्थ वाइज लेंगे शोल्डर टू शोल्डर विड्थ का हाफ प्लस हाफ इंच जो है हमारा 12, 12 का हाफ है 6
प्लस हाफ इंच हो जाएगा 6.5 इंच। और इस मार्क से भी हम 6.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे और हाफ इंच अंदर मार्क लगा करके इन दोनों लाइंस को मैच करेंगे। अब हम विड्थ वाइज इस मार्क से लेंगे चेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच। चेस्ट है हमारी 36, उसका 1/4 हो जाएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा 10 इंच। इस मार्क को ऐसे बनाएंगे और ये हमारे दो पॉइंट्स आ जाएंगे। अब वेस्ट लेंथ पे हम लेंगे वेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच। वेस्ट है हमारी 30 इंच, उसका 1/4 हो जाएगा 7.5 प्लस 1 इंच हो जाएगा 8.5 इंच। इन दोनों मार्क्स को हम पैरेलल मैनर में मिला देंगे। अब हम लो वेस्ट मार्क पे आएंगे। यहां से हम विड्थ वाइज लेंगे लो वेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच। लो वेस्ट है हमारी 34, उसका 1/4 हो जाएगा 8.5 प्लस 1 इंच हो जाएगा 9.5 इंच। यहाँ तक हम ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और हिप की शेप यानी कि लो वेस्ट की शेप का देते हुए हम इसको मिला देंगे। इसके बाद हम इसको आगे तक ऐसे स्लांट मैनर में एक्सटेंड करेंगे और अपनी फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की राउंड शेप का ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके बाद हम इस लाइन से अपनी नेक विड्थ के हाफ का एक मार्क लगाएंगे। नेक विड्थ है हमारी 6, उसका हाफ हो जाएगा 3 इंच। और यहां से हम स्लांट मैनर में शोल्डर लाइन को ज्वाइन कर देंगे। अब इसकी कटिंग पहले बैक पीस की कटिंग कर देंगे। अब इस पीस को पहले हम दूसरे वाले पीस के ऊपर रख करके उसकी साइड साइड में कटिंग करेंगे और उसके बाद हम ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग इस पीस पर कर देंगे। बैक पीस पर रख करके इस प्रकार कटिंग करने के बाद इसको अलग करेंगे और अब हम ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम फ्रंट और बैक पीस को दोबारा से पिनअप करेंगे और यहाँ से नेक विड्थ से थोड़ा सा कम लेंगे। नेक विड्थ है हमारी 6, उसका हाफ हो जाएगा 3, थोड़ा सा कम लेकर के मार्क लगाएंगे। और नेक लेंथ फ्रंट और बैक दोनों की 5 इंच है तो हम यहाँ से 5 इंच का मार्क लगाएंगे और जितना हमने मार्क ये लगाया था उतना ही मार्क लगा करके बॉक्स बनाएंगे। और इसमें अपनी नेक की राउंड शेप दे देंगे। और इसकी कटिंग कर देंगे। पाइपिंग नेक बनाने के लिए पहले हम 1.5 इंच और रेप पट्टी काटेंगे और उसमें जॉइंट लगा करके एक लंबी पट्टी बना लेंगे। उसके बाद हम इसको राइट साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे
डबल और इस नेक के साथ साथ इसको स्टिच कर देंगे। ऐसा हम दोनों नेक्स में करेंगे, उसके बाद में आपको नेक्स्ट बताती हूँ। राइट साइड में और ये पट्टी सिलने के बाद अब हम इसमें कट्स लगाएंगे। और उसके बाद मैं इसको फोल्ड करना बताती हूँ। अब हम इस कपड़े को इस प्रकार फोल्ड करेंगे और ऐसे इधर से इसको फोल्ड करके पाइपिंग की शेप दे करके इसके ऊपर एक स्टिच लगाएंगे। ऐसा हम दोनों गलों में करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अब हम इस पर अपनी मेजरमेंट के अनुसार फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे और बॉटम फोल्ड करेंगे और स्लिट्स फोल्ड करेंगे और इस नेट के कपड़े से हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।